थाना कोतवाली क्षेत्र में मोहित पेट्रोल केमिकल में वेल्डिंग करते समय टैंक फटने से 7 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 2 लोगों का अभी भी गंभीर हालत में इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस हादसे को लेकर तरह तरह के सवाल उठाए गए। जिला प्रशासन के अधिकारियों और पुलिस ने बिजनौर मिल हादसे में मिले मालिक और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। स्थानीय प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया है। इस हादसे के बाद जहां जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया था। आपको बता दें कि मोहित पेट्रोल केमिकल में वेल्डिंग करते समय टैंक फटने से 7 लोगों की हादसे में मौत हो गई थी। इस हादसे की जांच के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार तत्पर है। स्थानीय प्रशासन ने फैक्ट्री को सील कर दिया है। इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन ने मिलकर डीजीएम सुरेश पवार को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन मालिक अब भी फरार है। पुलिस मिल के मालिक की तलाश में जुटी है। इस हादसे की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ भी इस घटना पर लगातार अधिकारियों का अपडेट लिया जा रहा है। कल दुर्घटना हुई थी यहाँ पर। मोहित पेट्रोकेमिकल में जो डाइजेस्टर था वो ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 7 लोगों की बड़ी दुखद मृत्यु हुई। और प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत हुआ कि जो सावधानी बरतनी चाहिए थी प्रबंधन तंत्र को, इस फैक्ट्री को उन्होंने बरती नहीं थी, तो इस कारण यह दुर्घटना हुई। क्योंकि इसमें FIR भी दर्ज हुआ है और पुलिस जांच कर रही है, और मौके पर अभी भी बहुत सारे रसायन वहां पर हैं, तो कोई और दुर्घटना न हो और जांच में जो तथ्य सामने आने चाहिए, जो साक्ष्य मिलने चाहिए, उसके दृष्टिगत अभी इस फैक्ट्री को सील किया गया है। आपको बता दें कि मोहित पेट्रोल केमिकल में हुए इस भीषण हादसे की बहुत दूर तक सुनाई दी गई। मिली जानकारी के मुताबिक हादसा सुबह 7:30 से 8 बजे के बीच का था। इस फैक्ट्री में करीब 25,000 लीटर का बड़ा टैंक है। इस टैंक में शीरा बनाया जाता है। मिली जानकारी के मुताबिक टैंक में मीथेन गैस भरी रहती है। हादसे वाले दिन की सुबह कर्मचारी वेल्डिंग का काम कर रहे थे, उसी दौरान विस्फोट हुआ जिसमें टैंक का ऊपरी हिस्सा फट गया। इस हादसे में भीषण जान माल की हानि हुई।